हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं तय सिंह करूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube पैथोलॉजी नॉलेज चैनल में। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ यूरिन रूटीन टेस्ट की। एक यूरिन रूटीन टेस्ट होता है जिसको हम यूरिन आरएम भी बोल देते हैं, जो एक कॉमन टेस्ट है जो हर एक टेस्ट के साथ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है गाइस, इससे हम अपने एक तरह से बॉडी के पूरे चेकअप का पता लगा सकते हैं। अगर इसको हमें सही से अगर रीड करना आता है, इसकी रिपोर्ट को अगर सही से रीड करना आता है, तो हम इसको पूरी बॉडी का चेकअप का पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है, सब पता है इस एक टेस्ट से लग जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये बेसिकली ना बहुत सारे इसमें पैरामीटर आते हैं, कई सारे पैरामीटर आते हैं और ये एक ग्रुप ऑफ टेस्ट है। कई सारे टेस्टों का एक ग्रुप है, उसको ही यूरिन रूटीन बोलते हैं। जैसे इसमें तीन तरह से यूरिन का टेस्ट किया जाता है, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल और तीसरा माइक्रोस्कोपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फिजिकल टेस्ट है, जिसको हम सिंपल भाषा में विजुअलाइजेशन भी बोल देते हैं, जिसको हम एक तरह से कहें कि हम जिसको देख सकते हैं, देख के, जैसे यूरिन को देख के पता लगा सकते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कलर की। तो कलर इसका जो है, वैसे नॉर्मल कलर है यूरिन का, वो पेल येलो होता है। अगर कोई लीवर डिजीज हो जाती है, जैसे लीवर डिसऑर्डर होता है, तो उस केस में जो यूरिन का कलर है वो ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज कलर का या फिर डार्क येलो कलर का आने लगता है। दूसरा, रेड कलर कई बार यूरिन का हो जाता है, तो उसमें आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स हैं वो यूरिन के थ्रू पास हो रहे हैं, तो उसकी वजह से यूरिन का कलर कई बार रेड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अपीयरेंस। तो अपीयरेंस को सिंपल भाषा में दिखावट बोलते हैं। जैसे ये यूरिन जो दिखने में होता है, वो दिखने में क्लियर होता है, और जब इसमें WBC प्रेजेंट होते हैं, WBC यानी इन्फेक्शन के टाइम पे WBC इसमें यूरिन आने लगते हैं, तो उस टाइम पे जो यूरिन है वो टर्बिड दिखने लगता है। अगर इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है तो ये हैजी टाइप का दिखता है, और रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होने से इसका जो अपीयरेंस है, जो इसकी दिखावट है, यानी ये स्मोकी टाइप का दिखता है, मिल्की टाइप का दिखता है। नेक्स्ट आता है हमारा pH वैल्यू। pH वैल्यू जो यूरिन की pH वैल्यू होती है, 4.5 टू 7.5 होती है। अगर 4.5 से कम होती है तो ये अम्लीय होता है, 7.5 से ये ज़्यादा होती है तो ये क्षारी होता है। देन इसके नेक्स्ट आता है ओडोर। ओडोर यानी इसमें गंध किस टाइप की आती है। तो गैस, यूरिन में जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके यूरिन में एक सड़े हुए फलों की तरह गंध आती है, और अगर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको हाई इन्फेक्शन है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। वैसे नॉर्मल जो होता है वो एरोमेटिक होता है, उसमें कोई भी ज़्यादा दुर्गंध नहीं आती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.003 टू 1.060 तक होती है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई आती है तो इट मीन्स कोई डायबिटिक मलेटिस है या कोई किडनी इन्फेक्शन है पेशेंट को, के केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं जो केमिकल टेस्ट होता है। केमिकल टेस्ट गाइस, इसमें एक स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप डालते हैं और उससे पता लगाते हैं कि कौन कौन से पदार्थ हमारे यूरिन में यूरिन के थ्रू पास हो रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे प्रोटीन वैसे तो यूरिन में अब्सेंट होता है। अगर किसी केस में प्रोटीन के ट्रेसेस मिल रहे हैं, 1+ या 2+ या उससे ज़्यादा के यूरिन के थ्रू प्रोटीन पास हो रहा है, तो ये जो है किडनी डिजीज़ या फिर हार्ट डिजीज़ हुआ या फिर कोई डायरिया हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, इन केसेस में प्रोटीन जो है हमारे यूरिन के थ्रू पास होने लगता है। या फिर ज़्यादा ही आप ठंडे टेम्परेचर पर रहते हैं, आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रहते रहे और एकदम से ठंडे टेम्परेचर पर रहते हैं, या फिर जो आप काफ़ी दिन तक
लगातार ठंडे पानी से नहाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाते हैं, उस केसेस में भी कई बार प्रोटीन यूरिन में पास होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो बेसिकली ये डायबिटिक के पेशेंटों में आने लगता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके यूरिन में ग्लूकोज पास होने लगता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो किडनी उसको ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती और वो यूरिन के थ्रू पास होने लगता है। अब आता है कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन में अब्सेंट होती हैं। अगर कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन में प्रेजेंट सो होती हैं, कीटोन बॉडीज मिलती हैं, तो इट मीन्स डायबिटीज की वजह से कोई फीवर, कोई डिहाइड्रेशन या फिर दस्त, ये कोई बड़ी समस्या होने के बाद कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन में पास होने लगते हैं, यूरिन में मिलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ब्लूरबिन। ब्लूरबिन भी हमारे यूरिन में अब्सेंट होता है, यानी मेल होता है। और अगर कोई जॉइंडिस का पेशेंट होता है, जैसे पीलिया के पेशेंटों में ब्लूरबिन जो है यूरिन के थ्रू पास होने लगता है, या फिर हेपाटाइटिस के पेशेंट जो होते हैं, हेपाटाइटिस तो यानी जो लीवर डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनमें ब्लूरबिन यूरिन में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है यूरोबिलिनोजन। तो यूरोबिलिनोजन भी ब्लूरबिन की तरह एब्सेंट होता है। अगर लीवर डिसऑर्डर में जैसे हेपाटाइटिस और पीलिया के केस में यूरोबिलिनोजन भी यूरिन में प्रेजेंट हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट ल्यूकोसाइट स्ट्रेस। तो ल्यूकोसाइट स्ट्रेस है, ये भी अब्सेंट होते हैं, ये हमारे यूरिन में नहीं मिलते। बट अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहा हो, कभी WBC का हाई इन्फेक्शन रहा हो, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है इस हमारे जो मूत्र पथ होता है जिसको हम यूरिनरी ट्रैक बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग पैदा कर देते हैं, स्वेलिंग सी हो जाती है उसमें, या फिर किडनी में स्वेलिंग हो जाती है, उस केस में क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट स्ट्रेस है वो पॉजिटिव मिलते हैं यूरिन में। और नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेट। तो नाइट्रेट भी अब्सेंट होता है, नील होता है। और जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा दिन तक रहता है तो वो नाइट्रेट बना देता है। और नाइट्रेट जब पॉजिटिव आता है तो बहुत ज़्यादा केसेस रहते हैं कल्चर, यूरिन कल्चर पॉजिटिव आने के। तो नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में गैस क्या होता है, एक यूरिन की स्लाइड बनाई जाती है जो माइक्रोस्कोप पे रख के, यानी जो सूक्ष्मदर्शी होती है उस पे रख के उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ दिखती है। तो सबसे पहले उसमें देखते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे उसमें हमारे यूरिन में अब्सेंट होते हैं। बट अगर कोई किडनी, जैसे किडनी कैंसर हुआ, किडनी ट्यूबरक्लोसिस हुआ, किडनी में कोई हाई इन्फेक्शन हुआ, कोई किडनी में स्टोन हुआ, तो उसमें क्या है, कई बार RBC जो है यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, तो यूरिन में मिलते हैं। नेक्स्ट है पस सेल जो है 2 to 3 इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। नॉर्मली ये दिख जाते हैं 2 to 3 HPF हाई पावर फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी। अगर ये 5 से ज़्यादा होते हैं तो इट मीन्स कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन में आपके में जलन पैदा कर रहा है, डिहाइड्रेशन है पानी की कमी से, तो इन केसेस में ये जो है पसल मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा जब पसल मिलते हैं तो कल्चर पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स भी 2 to 3 हमारे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। अगर इससे ज़्यादा, 5 से ज़्यादा अगर मिलते हैं तो ये भी जो है कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर कोई ट्यूबरक्लोसिस है या फिर किडनी डैमेज के केस में भी ये एपिथेलियल सेल्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा कास्ट। तो हाइलिन कास्ट हुए, रेड सेल्स कास्ट हुए, वाइट सेल्स कास्ट हुए या पैक्सी कास्ट हुए। तो ये जो है किडनी की जब कोई ज़्यादा समस्या होती है, किडनी की कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में, ये जैसे किडनी डैमेज वगैरह के केसेस में ये कास्ट जो है मिलने, कास्ट जो है यूरिन में शो होते हैं। और फिर इसके बाद आता है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जैसे यूरिक एसिड हुए, कैल्शियम सल्फेट हुए, कैल्शियम ऑक्सलेट हुए, ट्रिपल फॉस्फेट हुए, तो ये जो है किडनी स्टोन के केसेस में
प्रेजेंट होते हैं। इट मींस अगर ये आपके यूरिन में शो हो रहे हैं क्रिस्टल्स, तो इट मींस कोई किडनी में स्टोन है या कहीं ब्लेडर में, यूरिन ट्रैक्ट में, कहीं भी स्टोन कर ये दर्शाते हैं। फिर आता है ईस्ट सेल। ईस्ट सेल बेसिकली डायबिटिक पेशेंटों में ज़्यादातर शो होते हैं, क्योंकि ये एसिडिक यूरिन में शो होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया तो अगर कोई इन्फेक्शन है तो आपके यूरिन में मिलेंगे। और इसके सैंपल के लिए कोई फर्स्ट यूरिन की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी इसका सैंपल दे सकते हैं। तो अगर आपको यूरिन रूटीन से कोई रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करूँगा। और गैस अगर आपको यूरिन रूटीन के बारे में या फिर किसी भी पैथोलॉजिकल टेस्ट के बारे में डिटेल्स में जानना है, नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएगा। वहाँ पे टेस्ट से लेके सिम्टम और प्रिकॉशंस तक मैं सारी चीज़ें उसमें आपको शो कराता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताता हूँ। तो गैस आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा, इससे लोगों को नॉलेज मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।